हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं हूं रमन मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको ग्राम विकास से संबंधित समस्त जानकारियां दी थी, जिनमें आपको ग्राम से संबंधित, ग्राम में लोगों से संबंधित अगर विकास करना है तो मूल आधार हमारे क्या होना चाहिए, उन सभी को अलग अलग वर्गी करके सरकार के द्वारा चलाई गई सारी योजनाओं के बारे में मैंने विधिवत परिचर्चा की थी। कल मैंने सिर्फ आपसे बात की थी ग्राम विकास की, आज मैं आपसे बात करूंगा समाज की, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें साफ तौर पर लिखा होता है ग्राम विकास एवं समाज। तो आज मैं आपसे बात करूंगा ग्रामीण समाज क्या है, भारतीय समाज क्या है, समाज का जो यह शब्द है यह कहां कहां पर इतिहास में वर्णित है, इतिहास हमारा क्या है, पहले क्या चीजें थी, आज क्या चीजें हैं, वर्तमान में चुनौतियां क्या हैं, इन तमाम मुद्दों पर समाज के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। हालांकि कल मैंने आपको शुरुआती दौर में कुछ जो है बिंदुओं पर विधिवत यह बात जो है चर्चा की थी कि सबसे पहले जब व्यक्ति आया पृथ्वी पर, मनुष्य आया, जो आप भूगोल में पढ़ते हैं, सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद मानव की उत्पत्ति के बारे में, तो वहां पर चीजें आपकी क्लियर होती हैं कि मानव का जन्म कैसे होता है। विज्ञान कुछ अलग बताता है, हालांकि अध्यात्म कुछ और बताता है। तो हमें यहां चूंकि धर्म, देखो धर्म से ही व्यक्ति ऐसा है कि व्यक्ति धर्म से बंधा है, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, हम लोग धर्म से पूरी तरीके से बंधे हैं, धर्म से मुक्त नहीं है, ठीक है। तो आज इन्हीं पर हमारा समाज वर्तमान परिवेश क्या रहा और जो बीत चुकी बातें उनमें परिवेश क्या रहा, इन सभी को चीजों को हम जानते हैं, क्योंकि भैया जब समाज के बारे में जानोगे तो समाज की जब गतिविधियां पता चलेंगी कि समाज की गतिविधि उसके रोजगार के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने दायित्व के लिए, अपने अधिकार के लिए क्या क्या है, तभी तो कुछ बात बनेगी। और यही क्या है, ग्रामीण विकास एवं समाज। इसीलिए आज आप जानिए भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज के लक्षण क्या क्या हैं, भारतीय समाज की विशेषताएं क्या क्या हैं, ग्रामीण समाज क्या है, ग्रामीण समाज का अर्थ क्या होता है, समाज समुदाय में क्या भिन्नताएं हैं, इन सभी पर बहुत व्यापक परिचर्चा आज मैं करूंगा। तो बहुत कंसंट्रेट हो जाइए, जैसे कल के लेक्चर में आपने गंभीरता के साथ उसे सुना तो आपको ग्रामीण विकास की रूपरेखा मैंने चारों डायमेंशन में खींच दी, कि जैसे बहुत सारे आपके सवाल रहे कि सर सिलेबस में पढ़ना क्या है, तो उस पूरे सिलेबस को मैंने कवर करके आपके सामने निचोड़ लाके रख दिया कि भैया इतनी चीजें ग्रामीण समाज के अंतर्गत, ग्रामीण विकास के अंतर्गत आपको मैं पढ़ाऊंगा। और मैंने 18 पॉइंट पहले से चुन रखे हैं, 18 चैप्टर में बताऊंगा, जिनमें उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ बहुत व्यापक तौर पर होगा, उनमें सबको समाहित है ग्रामीण विकास एवं समाज के बारे में, ठीक है। उसकी पूरी विधिवत नोट्स है, उस नोट्स को आप पढ़िए जितना मैं पढ़ा रहा हूं। इस लगभग मेरा यह तरीका होता है कि मैं नोट्स लगा के आपको बताता हूं कि जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी उस चीज का पर्याप्त लाभ पा सके, क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं जो आपके कमेंट्स रहे कि जितने भी आपके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं एक सब्जेक्ट के बल पर वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि आप जो है फुल फी दीजिए तभी आप पढ़ सकते हैं, यहां आप बिना फुल फी दीजिए और उससे ज्यादा डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान देना है, सिर्फ टीम सही होनी चाहिए, सफलता का मार्ग तभी प्रशस्त होता है जब आपके लिए जो मार्गदर्शक की भूमिका है वह टीम बेस्ट हो, और परीक्षा प्लस टीम आपके लिए सभी मायनों में बेस्ट है। आप चाहे हमारी टेस्ट सीरीज उठा लो या जितनी क्लासेस चलती हैं उनको उठा लीजिए, जो हम नोट्स देते हैं उनको उठा लीजिए, हर एक चीजें बेस्ट है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, इतनी चीजें आपके लिए पड़ी है कि दिन भर पढ़ते रहो, खत्म नहीं होने वाला है, ध्यान दीजिए। ये समस्त चीजें इसीलिए इस पर परीक्षा प्लस टीम लेकर आई है आप सभी के लिए, 10 प्लस जो है कोर्स के अंतर्गत संचालन का, जिसमें आपको सब कुछ एक साथ हम दे रहे, सभी विषयों के नोट्स एक साथ दे रहे, ताकि आपको ये ना हो कि सर जी आपने पढ़ा तो दिया अब इसके नोट्स कहां से मिलेंगे, क्योंकि बच्चों में सबसे बड़ा जो भ्रमित होने का आशय आता है ये यही बिंदु आता है, पढ़ा तो सारे यूट्यूबर दिए, आपने देख लिया क्या क्या, देखो फोन की मेमोरी वोलेटाइल है भैया, जब तक देखे तब तक याद है, उसके बाद तो गुरु जी ने क्या कहा था वो तो गया, ठीक है। इस वजह से नोट्स जरूरी है, इसलिए टीम पूरा आपको हम वीडियो हर एक दे ही दे रहे, साथ ही साथ हर एक क्लास की आपको विधिवत पीडीएफ दे रहे, जिसमें इतनी जानकारियां दे रहे कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं धैर्य बस, तो आप यह मान के चलो कि आपको लगेगा कि गगर में सागर का काम हो रहा हमारे साथ, ठीक है। और एक बात तो जानते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है,
जब यहां चार क्लास आप पढ़ोगे, चार क्लास की पीडीएफ आपको दी जाएगी, हर एक की क्विज दी जाएगी, तो वो चीजें आप में गागर में सागर का काम करती हैं और टीम इसी को जो है आधार बिंदु बनाकर कार्य करती है। तो सारे लोग भैया 10 प्लस कोर्स के अंतर्गत एडमिशन लीजिए, ठीक है। एडमिशन क्या है, आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करो और जाकर के ₹499 जो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है इस प्लान को एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आपको सभी पीडीएफ 3 महीने तक जितनी क्लासेज हो रहे सबकी मिलती रहे, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लासेज भी आपके सामने शुरू कर देंगे। अभी लॉकडाउन में कुछ हमारे ऐसे यंत्र हैं जो फंसे हुए हैं जिस वजह से ये चीजें आपको लाइव के तौर पर हम नहीं उपलब्ध करवा रहे, फिर भी पूरा प्रयास होता है कि चार क्लासेज हम बोलते हैं चारों आपको दे और हर दिन दे रहे हैं, 2 हफ्ते से ये प्रोग्राम चल रहा, ठीक है। कोई भी जानकारी आपको कुछ भी चाहिए भैया, टीम का या नंबर आपके सामने है, इन 3 नंबर पर आप पर जो है 24/7 की सुविधा है, बस रात में थोड़ा सोने देना, ठीक है। तो इन 3ों पर आप जानकारी जो है ले सकते हैं कभी भी। बाकी परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां आप परीक्षा प्लस सर्च करिए, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। उस ऐप पर पूरी क्लासेज, पूरी पीडीएफ, पूरी क्विज सब कुछ लगी है भैया, आराम से पढ़ो सारी जानकारी। तो अब मैं शुरुआत कर रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनिए, ठीक है। आप सारे लोगों की भूमिका बहुत यहां पर क्या है, जरूरी है, क्यों, क्योंकि भैया जितनी चीजें मैं बता रहा हूं अगर आपने कर्ण पल्लों को पूरी तरीके से, ठीक है, खोल दिया और सारे ज्ञान को आपने भंडारित किया तो समझ जाओ कि नैया यहीं से पाल लग जानी। तो आज मैं क्या बताने जा रहा हूं, आज भैया मैं बताने जा रहा हूं समाज क्या है, ठीक है, क्या समाज की परिभाषा है, समाज किसे कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे पहली तो बात होगी समाज क्या है, समाज में आदर्श क्या होते हैं, समाज में नियम क्या होते हैं, समाज के कायदे क्या होते हैं, समाज के रीति क्या होती हैं, रिवाज क्या होते हैं, ठीक है, समाज में व्यवस्था क्या होती है। हर एक समाज का अपना दायरा है, ठीक है, हर एक समाज का अपना दायरा है। ऊंचे लोगों की समाज होती है, मध्यम वर्ग का समाज होता है, निचले तबके का समाज होता है, समाज सबका बटा हुआ है, हमारा आपका समाज है। क्यों, क्योंकि जो जानते ही हो हमारी आपकी आदत क्या है, गुटखा खाने की, तो हमारा समाज अलग है, बीड़ी पीने का है तो समाज अलग है, आप जानते हो, ग्रामीण परिवेश पढ़ा रहा हूं तो सब कुछ जानकारी चाहिए आपको, ठीक है। कहते नहीं चोर चोर मौसेरे भाई, दो पियक्कड़ साथ मिले तो आंखों से पहचान लेते हैं, वो इशारों इशारों में दिल लेने वाले, वहीं पर बात आती है, आप जानते हैं अच्छे से। देखो यहां समाज क्या है, यहां समाज की विशेषताओं को हम पढ़ेंगे, समाज की विशेषताओं में किसका योगदान क्या होता है, इन सभी बारे में हमें विधिवत चर्चा करनी है। ग्रामीण समाज क्या होता है, ग्रामीण समाज के बारे में विधिवत पर चर्चा मैं करूंगा। उसके बाद भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज के अंग क्या है, इन सभी के बारे में विधिवत पर चर्चा करनी है। तो पूरी तरीके से आप कंसंट्रेट हो जाएं और मैं शुरुआत कर रहा हूं समाज के बारे में विधिवत पर चर्चा। ध्यान दीजिए सारे लोग, जो टॉपिक है उस टॉपिक को ही मैंने मेंशन कर दिया है, किस तौर पर, कि समाज और सामाजिक विकास। इस चीज को बहुत गंभीरता से पढ़िएगा क्योंकि यहां पर अगर आपके चक्षु और कर्ण पल्लो बहुत उत्तेजित होकर बातों को जो है समझते रहे तो एक ऐसा समन्वय बनेगा जिससे समस्त चीजें आपके नजरों के सामने खुल जाएंगी कि सफलता का मार्ग प्रशस्त कहां से होगा। तो देखो आज हमें बात करना है सोसाइटी के बारे में और सोशल डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट इसके बाद ही अब मैं उठाऊंगा और वहां से शुरू कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं। देखो कल तो मैं आपको जो राजस्व निरीक्षक, राजस्व आपका लेखपाल का पेपर रहा, उन दोनों पेपर के साथ मैं मिलूंगा, पहली शिफ्ट दूसरी, दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर के बाद निचोड़ निकालेंगे और निचोड़ निकालने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब कौन सा पॉइंट कहां से भैया पढ़ा रहा हूं और कितने क्वेश्चन कहां से आए हैं। देख लीजिए कल से ऐसी क्लास होगी कि आपको सब कुछ पता रहे कि कहां से क्या कैसे निशाना जो है साधना है, क्योंकि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, 5200 सीट है तो हर एक पद पर पहले ही नाम लिखा है, उसमें नाम कुछ लोग अपनी मेहनत पर दर्ज कराते हैं क्योंकि यहां छीनने का है। अगर आप में ताकत नहीं है तो समाज का हमेशा एक नियम है कि जो बलवान है वही अधिकार प्राप्त करेगा, ये चीज जानते हो। तो आपको बलवान यहां जो है शारीरिक तौर पर नहीं होना है, मानसिक तौर पर बलवान होना है, ठीक है, समाज की यह भूमिका। अगर आप निर्बल हो तो दबा दिए जाओगे,
पढ़ाई में अगर आप कमजोर हो तो दबा दिए जाओगे, आपको ऊपर नहीं उठने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपसे आने वाली जो पीढ़ी है आपसे ज्यादा तेज है। इस वजह से अपने आधार बिंदु को मजबूत करो, जो चीजें पता है कि यह कमजोर है उस कमजोर बिंदुओं को झांको अपने अंदर। आपको पता है कि आप किन चीजों में कमजोर हैं, आपको क्या बिंदु नहीं आता, फिर भी हम इसको इग्नोर करते, बाद में पढ़ेंगे, पढ़ाई जो है कहीं भागी जा रही, वही चीज क्या है, वहीं से हम अपना विनाश करना प्रारंभ करते हैं। तो विनाश को विकास में बदलो और यहां आओ। देखो सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कल मैंने समझाया था कि ग्रामीण विकास में जब हम विकास को लेकर चलते हैं तो विकास के पायदान होते हैं, उस पायदानों को समेटने के लिए भारत सरकार सामुदायिक विकास जो है प्रारंभ करती है 1952 में, लेकिन उससे पहले 51 में सरकार बनती है, तो 51 के बाद बहुत सारी गतिविधियां प्रारंभ होती है। उन्हीं के बारे में जो सोशल डेवलपमेंट है इससे संबंधित जितनी नीतियां हैं, मैं बहुत पुराने से लेकर के आज तक की वर्तमान तक की सारी नीतियों को एक तरफ से आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। चलो ध्यान दो, सबसे पहली परिभाषा यह बताओ कि समाज है क्या। देखो भैया समाज के बारे में अगर बात करें तो समाज एक से अधिक लोगों का समूह है, एक ग्रुप है जिसमें सभी मानवीय क्रियाकलाप संपन्न होते, मानवीय, ठीक है, कहते नहीं कि इसने ऐसा कार्य किया है जो मानवीय है ही नहीं, मतलब कोई बहुत जो है नीच किस्म का काम कर डाले, वो समाज के अपने नियमों के अनुकूल ना हो, ऐसे व्यक्ति को मानवीय क्रियाकलापों के अंतर्गत समाज का सदस्य नहीं मानते। मानवीय क्रियाकलापों से आशय क्या होता है, आपका आचरण, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाह आदि क्रियाओं से मतलब है, यानी दूसरे शब्द में कहें तो समाज मानवीय अंतः क्रियाओं, मतलब मानव की एक दूसरे की जो क्रिया है के प्रक्रम की ये क्या है, प्रणाली है, सिस्टम है हमारी जो है। इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि एक अगर छोटा सा बालक पैदा हुआ तो उसका भी समाज में रोल होता है, अगर किसी के यहां आज बालक जन्म लेता है तो उसका समाज पर रोल है और समाज में उसकी भागीदारी बढ़ने लगती है, ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा आप एक माचिस की डिब्बी खरीदते हो तो माचिस की डिब्बी में भी क्या होता है, आप समाज में योगदान देते हो, आप कर देते हो, आपको नहीं मालूम लेकिन आप गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ चुकाते हो, तो जब हम सरकार को कर देते हैं तो सरकार से लेते भी तो हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए योजनाएं दें, ठीक है, बहुत सारे कार्य करें। यहां ध्यान दो, जब हम बात करेंगे ऋग्वेद की, ऋग्वेद में भैया देखिए जो जन शब्द है इसका उल्लेख 275 बार हुआ है, ऋग्वेद में जन शब्द, जन का मतलब लोग, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार तथा विश्व शब्द का उल्लेख 171 बार हुआ है। वहीं और एक चीज, जो कई ग्राम होते थे इन ग्रामों का जब समूह बनता था इनको विश्व बोलते थे, और विश्व का शब्द कितनी बार आया, 171 बार आया है, और अनेक विषों के समूह को जन बोलते थे, ठीक है, और इस जन का उल्लेख 275 बार किया गया है। एक बड़े प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में जनपद का जो है उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ, आज भी जनपद होते हैं, ठीक है, आज भी जनपद होते हैं, तो ऋग्वेद में ही यह चीजें चलती आ रही हैं, जो आप लगभग 1500 ईसा पूर्व की चीजों को देखें। जो जनों का प्रधान होता था इसको राजन बोलते थे या राजा कहते थे, और जो आर्य थे उस दौरान आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उन्हें क्या बोलते थे, आर्यों के जो 5 कबीले होते थे इन कारण इनको क्या बोला गया, पंचजन्य बोला गया, ठीक है, आर्यों के 5 कबीले हुए और 5 कबीलों की वजह से इनको पंचजन्य बोला गया। आज जो है पचपट्टी चलती है गांव में, जानते हो कि नहीं, जो लोग गांव से जुड़े होंगे वो जानते होंगे पचपट्टी बोला जाता है, ठीक है, पट्टीदारी तो जानते हो सारे लोग, लेकिन पचपट्टी भी एक चीज होती है। तो जो आपके आर्य होते थे आर्यों को ऋग्वेद में पंचजन्य बोला गया, और पंचजन्य के बारे में मैंने GS 60 वाली सीरीज में भी आपको प्रश्न कराया है, वे कौन कौन थे, इसमें सवाल पूछा है पुरु, यदु, अनु, तुर्वसु और साथ ही साथ द्रोहु, ये 5 आपके कबीले थे आर्यों के, और इसी वजह से आर्यों को पंचजन्य बोला गया, समझ गए, ये 5 पूछा है कौन सा कबीला इनमें से नहीं था। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए भैया, विदत सबसे प्राचीन संस्था थी, विदत, इसका ऋग्वेद में उल्लेख 122 बार हुआ है, और समिति जो है समिति का उल्लेख 9 बार तथा सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री बोला गया है इन दोनों को, ठीक है, और इनका उल्लेख हुआ है। वहीं ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा,
ठीक है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ, यहां से प्रश्न आते हैं, इस वजह से इन चीजों पर हमें डिस्कस करना रहा। अब आगे बढ़िए, मानव की कुछ नैसर्गिक तथा अर्जित आवश्यकताएं, ठीक है, नैसर्गिक मतलब जरूरी है, जैसे काम, सुरक्षा आदि होती है, कल मैंने इस पर चर्चा की थी, और वह इनकी पूर्ति स्वयं करने में सक्षम नहीं होता। इन आवश्यकताओं की सम्यक संतुष्टि के लिए लंबे समय में मनुष्य ने एक समष्टिगत व्यवस्था, ठीक है, को विकसित किया है, जिसे समाज कहा गया। हमारी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हम हर एक कार्य तो कर नहीं सकते। आपको याद होगा कि पहले क्या चलती थी, पहले एक व्यक्ति को अगर जरूरत है, किसकी, हमें जरूरत है कपड़ों की, और जो है हम चावल की पैदावार करते हैं तो हम चावल दे आते थे, उससे कपड़े ले लेते थे, उस व्यक्ति को उस चावल को वो दूसरों को देकर के दूसरी वस्तु लेता था। तो यह समाज का ही एक अपना कायदा है, नियम है। आज भी हमारे पास पैसे नहीं तो बगल वाले से कहते हैं जरा यार कुछ पैसे दे देते, काम चल जाता। ये समाज का अपना, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हमने एक समूह का निर्माण किया, और वह समूह क्या है, एक समाज। पशुओं में भी क्या होता है, समूह होता, उनका एक समाज होता है, ठीक है, कबीला बनता है, कबीले का राजा होता है, आप जानते हैं। तो ये चीजें क्या है, मनुष्य का समाज, मनुष्य के द्वारा बनाया गया सारी चीजें हैं। यहां पर कुछ भी हमारे लिए प्राकृतिक नहीं है, ये हमारे कृत्रिम निर्माण द्वारा संभव है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं हमारी पूर्ति है। या व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन है, समूह है, जिसमें वे निश्चित संबंध और विशिष्ट व्यवहार द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। समाज में यह बहुत जरूरी है। समाज व्यक्तियों की वह संगठित व्यवस्था भी है जहां विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न मानदंडों के व्यक्तियों जो है विकसित किए जाते, और कुछ व्यवहार स्वीकार्य और कुछ को निषिद्ध किया जाता। समाज यही तो है। कुछ चीजें यहां पर हैं कि आपसे बड़े हैं तो बड़े बुजुर्गों से हम कैसे बात करते हैं, आपसे छोटा है तो उससे कैसे बात करोगे। और ऐसा तो है नहीं कि बड़े बुजुर्ग हैं आप पहुंचे, क्या हाल है, शुरू हो गया ऐसे, जैसे बातचीत अपने दोस्तों में करते हैं। वहां पर समाज के मानदंड हैं, अगर आप समाज के मानदंडों को नहीं मानते तो समाज आपको बहिष्कृत कर देता है, ये भी तो है। तो समाज हमेशा क्या है, कुछ इसकी रूढ़िवादिताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, अगर उन सीमाओं को आप लांघ गए तो समाज में वहां आपका रहना दिक्कत देता है। आगे बढ़ लो, और आगे क्या है भैया, हर एक को मैंने पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से विधिवत इसीलिए लिखा है कि आपको यह कहीं भी संशय ना हो कि एक बिंदुओं का दूसरे से रिलेशन कैसे करना है, क्योंकि नोट्स में मैंने वैसे ही चीजों को व्यवस्थित किया है। समाज में जो विभिन्न कर्ताओं का समावेश होता है, कर्ता का मतलब करने वाले, मैं कोई कार्य करता हूं, मैं दर्जी का कार्य करता हूं, मैं जुलाहे का कार्य करता हूं, मैं मोची का कार्य करता हूं, मैं कुछ भी करता हूं, तो हर एक करने वाले का अपना एक रोल है समाज में, ठीक है, क्योंकि हमारी आवश्यकता, हमें जूते पहनने हैं तो हमें मोची के पास जाना है, तो मोची का भी रोल हुआ, योगदान हुआ, समझे कि नहीं। हर एक व्यक्ति का समाज में रोल होता है, इसी वजह से समाज में हर एक व्यक्ति बंधा हुआ होता है। आगे बात करते हैं, जिनमें परस्पर अंतःक्रिया होती रहती है, प्रत्येक कर्ता अधिकतम संतुष्टि की ओर उन्मुख होता है, ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए। अगर घर में हमारे मोटरसाइकिल है तो दिमाग 24 घंटे लगाते हैं, चाहे भैया सेकंड हैंड मिल जाए, लेकिन कार आ जाए, अब सेकंड हैंड आएगी तो हम सोचते हैं कि अब बढ़िया वाली मिल जाए। 24 घंटे हम अपनी अधिकतम संतुष्टि के लिए दिमाग लगाते हैं। हमारे पास हाथ से जो है पंखा है, अगर हाथ से जो है जिसको हिलाते हैं वो पंखा है, तो हम सोचते हैं कब बिजली वाला लगवा दे, अब बिजली आ गई तो सोचते हैं कि अब एसी हो जाता जुगाड़। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जहां से हो जाए वहां हमारा समाज है। आज आपकी आवश्यकता की पूर्ति किससे है, ठीक है, कि आपको हर एक जानकारी प्राप्त हो, यह क्या है, हमारा आपका भी एक तरीके से समाज का परिवेश बन गया, ठीक है। आप समूह में हैं, परीक्षा प्लस परिवार में हैं, तो यह परिवार हमारा क्या हो गया, एक संयुक्त परिवार की भांति व्यवहार कर रहा है, और यह संयुक्त परिवार हमारे आज की नहीं, हमारी पुरानी व्यवस्था है, हमारी धरोहर है संयुक्त परिवार, और संयुक्त परिवार समाज की विशेषता है। यह पूछता है कि निम्न में से कौन सी समाज की विशेषता नहीं है, वही चीज समझ जाना। आगे बढ़ लो भैया, इसके बाद समाज में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगली चीज बोल रहा कि जो वियोजक तत्व हैं, वियोजक का मतलब ऐसे व्यक्ति, कि बोला गया समाज में ऐसे कार्य करना निषिद्ध है, और कुछ लोग करेंगे ही, ये लिख दिया गया, मद्यपान जो है समाज में
आपको स्वीकार ही नहीं है। अब कहीं से बताया नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई, कहीं से नहीं मिलेगा। तो बिहार में क्या दारू नहीं बिकती, सारे लोग जानते हैं, हर जगह दारू उपलब्ध है। ठीक है, तो जो वियोजक तत्व है इनके नियंत्रण हेतु संस्थाकरण द्वारा कर्ताओं के संबंध तथा क्रियाओं का समायोजन होता है, जिससे पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होती है और अंतर विरोधों का समन होता है। एक दूसरे के लिए अगर मन में भावना है तो अगर कोई कार्य पहुंच गया कि भैया कहते नहीं कि अगर जरूरत पड़ी तो गधे को दादा बनाना पड़ता है, यह समाज ही करवाता है। अगर आपकी किसी व्यक्ति से मान लीजिए मन में मनमुटाव रखे हैं और कोई जरूरत पड़ गई तो जाते हैं बोलते हैं भैया ये काम था आपसे, ठीक है, अब वो मुंह पर चाहे बोल ही दे कि अच्छा आ जाए, तब भी आप कहते हो हाँ जरूरत पड़ी तो आए। तो ये समाज ही है जिसमें एक दूसरे में समन्वय बनता है। आगे बढ़ते हैं, इनके आगे अगर देखा जाए जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, क्योंकि नोट्स में मैं बहुत कुछ लिख दिया हूं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है सारी जानकारियों को, क्योंकि समाज के बारे में मान लीजिए बहुत अगर अच्छे प्रश्न भी बनाना चाहा तो इससे बाहर नहीं होना है, इसीलिए मैं उन आधार बिंदुओं पर आपसे प्रयास कर रहा हूं। दूसरी बात, चूंकि समाज व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है, समाज क्या है, हमारे पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है, इसलिए इसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता है, हमें कोई दिखने वाला स्वरूप नहीं मिलेगा कि भैया फला समाज ऐसा दिखता है, मूर्त स्वरूप नहीं है, अमूर्त है, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो अवधारणा है यह अनुभूति मूलक है, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो, यह समाज अच्छा है, यहां के लोग बड़े अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, नीतियां अच्छी है, क्या चीजें करते हैं, रहन सहन अच्छा है, खान पान अच्छा है, संस्कृत अच्छी है, तो ये क्या है, अनुभूति मूलक है। समाज में पारस्परिक सहयोग एवं संबंधों का आधार सामूहिक आचरण है जो समाज द्वारा निर्धारित निर्देशित होता है, समझ गए, क्योंकि समाज में हर एक चीजें क्या है, आप अगर जो है लड़के हैं आपके लिए नियम है, आप लड़की है तो आपके लिए नियम है, समाज में हर एक व्यक्ति का रोल है और उस रोल को हमें करना पड़ता। आज क्या होता है, आजकल हम कहते हैं पुरानी चीजों को नहीं मानेंगे, भैया आप समाज से जुड़ो, क्यों नहीं मानोगे, अगर समाज किसी चीज को बना रखा है तो उनको मानना चाहिए, लेकिन इतनी भी चीजें नहीं होनी चाहिए जो पूरी तरीके से अंधविश्वासों पर टिकी हो, उनके लिए कुछ वैज्ञानिक तर्क का इस्तेमाल करिए, पढ़ाई लिखाई वही काम आएगी। ठीक है, देखो हर एक चीजों का रोल होता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आपको रूढ़िभंजक बन जाना है। रूढ़िभंजक किसे बोलते हैं, जो समाज की किसी भी जो है रूढ़िवादिता को ना माने, तो वैसा भी नहीं बनना है, कुछ चीजें हितकारी होती है, ठीक है, हर एक चीजें नुकसान वाली नहीं होती है कि आपको दिमाग में यह फिट कर लेना है कि सब कुछ नुकसान वाला है। देखो अब मैं बात कर रहा हूं आपसे ग्रामीण जो है समाज के बारे में, ग्रामीण समाज का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषता क्या है, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि जो प्रश्न बनेगा वो ग्रामीण समाज से यहीं से उठेगा। ग्रामीण जो सामाजिक संरचना होती है, एक सुंदर चित्र आपके सामने दिखाएगी, ठीक है, कि वो खेत में क्या हो रहा, कटाई चल रही, इधर कुछ और कार्य चल रहा, मतलब आपके दिमाग में एक सुंदर इमेज बन जाती है, ये ग्रामीण समाज परिवेश है जिसमें विवाह, परिवार, वंश, गोत्र, नातेदारी, जाति, धर्म, राजनीतिक और आर्थिक समूह तथा वर्ग शामिल होते हैं, किसमें, ग्रामीण जो सामाजिक संरचना है इसमें, ठीक है, नातेदारी भी आ गई है। जब हम ग्रामीण सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में समुदाय का निर्माण करने वाले विभिन्न समूह, ग्रामीण गांव में समाज कैसा होता है आप जानते हो, वहां बहुत समाज, जैसे नातेदारी समूह हो गया, हमारा वंश हो गया, गोत्र हो गया, बिरादरी हो गई, जाति हो गई, उपजाति हो गई, ये सभी के सभी उसमें आ जाते हैं, ठीक है, हमारी पट्टीदारी होगी तो पूरा पट्टीदारी वहां पर आएगी बात, ठीक है, हमारे नातेदार आएंगे तो उसमें पूरे नातेदार आएंगे, वो सब मिलके एक समाज का रचना जो है रचना में योगदान देते हैं, ये ग्रामीण समाज है आपका। अब और चीजों को और मैं जो है व्यवस्थित करूं तो यहां ध्यान दीजिए, ग्रामीण संरचना हम समाज के व्यवस्थित स्वरूप को कहते हैं। ग्रामीण संरचना किसे कहते हैं, जिसमें समाज आपको एक व्यवस्थित ढंग से दिखे, वह आपका क्या है, वह आपका सामाजिक संरचना है। जिस प्रकार एक मकान ईंट, सीमेंट और चूने का केवल ढेर नहीं होता, जिस प्रकार एक मकान आपका केवल ईंट, चूने और पत्थर का ढेर नहीं होता, ईंट, सीमेंट और चूना उसमें व्यवस्थित रूप में होता है,
उसी प्रकार सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रतिमानों, समितियों, संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों आदि के व्यवस्थित स्वरूप को सामाजिक संरचना बोला जाता है। अब ग्रामीण समाज का अर्थ समझ लो। ग्रामीण समाज ओरिजिनली किसे बोलोगे? हमें तो यही पढ़ना है, ग्रामीण विकास एवं समाज पढ़ना है, तो यानी ग्रामीण समाज को पढ़ना है। देखो भैया, ग्रामीण समाज क्या है आपका? ग्रामीण समाज वह है कि जिस समुदाय की अधिकांशता आवश्यकताएं कि जो पूर्ति है या कृषि या पशुपालन से हो जाए, जिस समाज की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति या तो कृषि से हो जाए या पशुपालन से हो जाए, ऐसे समाज को ग्रामीण समाज या ग्रामीण समुदाय के नाम से जाना जाता है। समझ गए? ग्रामीण समाज क्या है? ग्रामीण समाज वह समाज है जिसमें समाज की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति या तो कृषि के माध्यम से हो या पशुपालन के माध्यम से। तो हमें ग्रामीण विकास में दो मुद्दों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक तो सामुदायिक विकास में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, गवर्नमेंट की क्या योजनाएं रही, उन योजनाओं को हम व्यापक यहां विधिवत अगले लेक्चर में जो है चर्चा कर जो है शुरुआत करेंगे। बहुत कुछ मैं विधिवत आपको पढ़ाऊंगा, जितनी चीजें अभी तो मैं इकोनॉमी से इसको जोड़ के पढ़ाना है, ठीक है? तो बहुत विधिवत आपका यहां लेक्चर आगे वाले बहुत इंटरेस्टिंग बनने जा रहे हैं, वहां पर आपको समझना है। आगे यहां पर अभी समझें, कह रहा है कि नगर की अपेक्षा जो गांव होता है, गांव में जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम होता है, नगरों में एकदम एक मकान है तो 20 किराएदार है और 20 किराएदारों में हर एक के 10-10 परिवार है, आप समझदार हैं। गांव जो है, गांव में घनी जनसंख्या ना होने के कारण कृषक का सीधा संबंध प्रकृति से होता है। ग्रामीण समाज में महानगरीय सभ्यता और बनावटी भौतिक संस्कृति का जाल नहीं होता है। ग्रामीण समाज सरल सादा जीवन व्यतीत करता है, बहुत तामझाम हमें नहीं पसंद। ग्रामीण समाज की विशेषताओं को देख लो भैया, विशेषताओं में क्या बोलता? पहले विशेषता अपने यहां जाति व्यवस्था की होती है। ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था होती है, और वह जाति व्यवस्था क्या है? ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषताओं में से एक जाति व्यवस्था है, यानी जाति के आधार पर ग्रामीण समाज में संस्तरण पाया जाता है, एक के बाद एक पूरा डिवाइड होता है ऊपर से नीचे तक, एक तबका बना होता है, ये संस्तर होते हैं, ठीक है? जाति एक क्या होती है? सामाजिक संस्था, और समिति दोनों ही है। यहां पर बात आ गई ना, संस्था और समिति दोनों है कौन? जाति। जाति की सदस्यता योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर निर्धारित होती। पहले क्या थी? पहले जाति जन्म के आधार पर नहीं थी, पहले जाति कर्म के आधार पर थी। एक अगर ब्राह्मण है, उसके चार बालक हैं, तो उन चार बालकों में से कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई वैश्य भी हो सकता था, क्योंकि जो जैसा कर्म करता था। अगर मैं ब्राह्मण पुत्र हूं और मैं कार्य करने लगा व्यापार का, तो मैं वहां पर जो है वैश्य कहलाऊंगा। अगर मैं ब्राह्मण पुत्र होते हुए लोगों की सेवा करने लगा, तो मैं वहां शूद्र कहलाऊंगा। अगर मैं ब्राह्मण पुत्र होते हुए लोगों के रक्षा से संबंधित कार्य करने लगा, ठीक है, सैनिक के कामकाज करने लगा, तो मैं वहां क्षत्रिय कहलाऊंगा। और अगर मैं ब्राह्मण पुत्र हूं या किसी, ठीक है, ब्राह्मण पुत्र हूं और मैं लोगों को अध्यापन का कार्य करने लगा, पढ़ाने का कार्य करने लगा, तो मैं वहां ब्राह्मण कहलाऊंगा, ठीक है? तो पहले व्यवस्थाएं क्या थी? पहले व्यवस्थाएं कर्म के आधार पर थी, बाद में यह व्यवस्था वंशानुगत हो गई, यानी जो जहां पर जो है जिस वंश में जन्म लिया, उसका कुल, उसका गोत्र, उसका वंश, वो सब उसी से जुड़ता चला गया। तो आज समाज में जाति व्यवस्था बहुत ही क्या है, चिपक गई है समाज से। कोई भी छोटा मुद्दा होता है तो समाज पूरा जातियों में बटता चला गया है। पहले जातियां किसके लिए थी? समाज को जोड़ने के लिए। आज समाज को तोड़ने के लिए जातियों का इस्तेमाल होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह भी करते हैं, यह भी जाति का क्या है? और आजकल यही सब ऑनर किलिंग जैसे शब्द सुनते हो, ठीक है? ये क्यों? क्योंकि जब हमारा परिवेश ही वही बना है, हम में वही चीजें आई हैं, तो व्यक्ति उस चीज को सहन नहीं कर सकता है। जब ये चीजें है कि अच्छा, ये फला जाति का व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करेगा, और मान लीजिए उसने ऐसा नहीं किया, तो पूरी बिरादरी वाले लोग क्या करते हैं? बेदखल के लिए निकल पड़ते हैं। तो वो चीजें क्या है, उसको समझना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, दूसरा व्यवसाय है, ग्रामीण समाज की विशेषता बता रहा हूं, दूसरा है कृषि मुख्य व्यवसाय होना चाहिए। कृषि मतलब, ठीक, खेती बाड़ी जो आप लोग जानते हैं,
ध्यान दें, इसमें ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता कृषि है, इसी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ग्रामीण विकास का मतलब कि कृषि को लेकर सरकार की जितनी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर जितनी योजनाएं हैं, आज तक कितनी योजनाएं चली हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि कृषि को लेकर पंचवर्षीय योजनाओं में किसमें कौन सा कार्य हुआ है, ठीक है, उस पर विधिवत चर्चा होगी, लेकिन वो किस लेक्चर में होगी, धीरे धीरे पढ़ते रहो, जहां पर क्रम आएगा वहीं पर मैं बताऊंगा, क्योंकि पहले आशय मेरा क्या है, पहले मेरा पूरा यह मतलब प्रयास है कि आपको पूरी रूपरेखा से रूबरू करा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको उस जगह पर चोट करना सिखा दूं जहां से सीधा प्रश्न आएगा, ठीक है। ऐसा मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन डायरेक्ट बताने का मतलब यही होता, आप भी कहते गुरुजी गोली दे गए, ठीक है। मैं चाहूं तो इसको एक चीजों में एक बार समेट के बता दूं, लेकिन वहां चीजें ना तो आपको कुछ आधार पता चलेगा ना कुछ, बस यही रहेगा कि अच्छा रटना है, लिख लो भैया, रट डालो, गुरुजी ने नोट्स दिया होता है, रट लो। देखो रटना ही सब कुछ नहीं होता, यहां मैं जिस विधिवत तरीके से बता रहा हूं, अगर इन चीजों को आपने सिर्फ मेरे लेक्चर को ही देख लिया तो आप ये मान के चलो कि आपको सारी जानकारियां, ठीक है, बहुत एक व्यवस्थित क्रम में मिलती चली जा रही है, ठीक है। तो कैसे टीम जैसे प्रयास करती है भैया, उस टीम के लिए भी दो चार बातें लिख दिया करो आप लोग। देखो ग्रामीण समाज की जो अर्थव्यवस्था है यह कृषि पर ही टिकी है, तो इसीलिए मैं जब आपको इकोनॉमी से जोड़ने की बात कर रहा कि ग्रामीण विकास एवं परिवेश जब समाज पढ़ोगे तो इकोनॉमी को जानना बहुत जरूरी है, और इकोनॉमी को मैं यहां अर्थव्यवस्था जब आपको इसके टर्म में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो बहुत विधिवत परिचर्चा करूंगा, वहां सभी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को लेकर किसमें कौन सा कार्य हुआ है उस पर विधिवत जो है आपकी परिचर्चा होगी, तो उसको बहुत अच्छे से जानना है। हालांकि मैंने लाइव वाले भी सेशन में बताया था, हालांकि जो गांव में अन्य व्यवसाय भी अपने होते हैं, लेकिन 70 से 75 जो प्रतिशत लोग हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही आश्रित होते हैं। अगली बात है अपने यहां संयुक्त परिवार का होना, यह ग्रामीण समाज की बहुत बड़ी विशेषता है, इसको ढंग से समझिए। देखिए भैया ग्रामीण समाज में संयुक्त जो आपके परिवारों की प्रधानता पाई जाती है, यहां पर एकल परिवारों का अभाव होता है, अपने यहां एकल परिवार अब तो गांव में भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अधिकतर आपको संयुक्त परिवार ही मिलेगा, ठीक है। ग्रामीण समाज में ऐसे परिवार पाए जाते हैं जिनमें तीन या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक स्थान पर रहते हैं, तीन पीढ़ी हो गई, ठीक है, बाबा रह रहे, फिर उसके बाद पिताजी, पिताजी के बाद लड़के, सब एक जगह पर होते हैं, यानी नाती से बाबा तक सभी एक जगह पर होते, ये संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती, समझ गए। आगे इनका भोजन, संपत्ति, पूजा पाठ सब कुछ साथ साथ होता, ऐसे परिवारों का संचालन परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति द्वारा होता है, यह संयुक्त जो परिवार की व्यवस्था है यह अपने यहां किसमें ग्रामीण समाज में पाई जाती है। अगली चीज है जनसंख्या का कम घनत्व होना, तो ग्राम में नगर की अपेक्षा जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता, प्रकृति के समीप होना जब जनसंख्या घनत्व कम होगा, और दूसरी बात इनका व्यवसाय कृषि मुख्य व्यवसाय होगा, तो जाहिर सी बात है ग्रामीण समाज प्रकृति के बहुत समीप होता है, भाग्यवादिता पाई जाती है गांव में, ठीक है, गांव के निवासियों में, क्योंकि भारतीय जो गांव वाले हैं नहीं, निवासियों में शिक्षा का थोड़ा अभाव होता है भारतीय गांव में, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, अंधविश्वासी और भाग्यवादी बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीजें भी होना बहुत जरूरी है, ये चीजें भी होना बहुत जरूरी है। आजकल ऐसे अंधविश्वास, देखो अंधविश्वास का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप धर्म से किसी बातों को इसीलिए जोड़ा जाता, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण मैं धर्मों के दे सकता हूं, बहुत सारे क्रियाकलाप में धर्म हम लोग अपने धर्मों में करते हैं जिनके पीछे विज्ञान है, इस वजह से अंधविश्वास का भी होना वहां जरूरी है, जायज है, समझे। आगे बढ़ते हैं, अगला ग्रामीण अगर देखें इसमें इनका जो जीवन होता है ग्राम आपके गांव वालों का, ये क्या होता है, सादा जीवन, उच्च विचार, ठीक है, इनके जीवन में कृत्रिमता और आडंबर नहीं मिलेगा, ठगी, चतुराई, धोखेबाजी, इनके स्थान पर सच्चाई, ईमानदारी और अपनत्व की भावना अधिक मिलती है गांव में, ठीक है। हालांकि अभी गांव में शहर जैसा माहौल होने लगा है कि बगल के जो है पड़ोसी को कुछ भी हो जाए तो जो है हालचाल नहीं लेने आते, लेकिन पहले गांव में क्या होता था, गांव में किसी को कष्ट है तो पूरे गांव वालों को कष्ट होता था, ये चीजें व्यवस्थाएं थी, ये सब समाज में क्यों थी, क्योंकि हम जानते हैं अगर आज हम पर मुसीबत है तो कल तुम पर भी तो आएगी, इस वजह से, क्योंकि समाज हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसलिए समाज है।
और समाज में अगर हर व्यक्ति का रोल है तो वह रोल इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में सर्वेसर्वा नहीं है, इसीलिए तो हमें किसी के सामने झुकना पड़ता है। और वही समाज का निर्माण करती है। सामाजिक समरूपता आपको देखने को मिलेगी किसमें? ग्रामीण समाज में। नगरों की विशेषता सामाजिक विषमता है, ठीक है। यहां सामाजिक विषमता नगरों में आपको बहुत पाई जाएगी, लेकिन ग्रामीण समाज में सामाजिक समरूपता पाई जाएगी। ग्रामीणों का जो जीवन स्तर होता है इसमें नगरों की भांति जमीन आसमान का अंतर नहीं पाया जाता। यहां देखते हो बगल में करोड़ों की कोठी और एक बगल में झुग्गी झोपड़ी है, वहां पर ऐसा नहीं होता है। वहां पर लोग लगभग क्या होते हैं? एक ही जैसे होते हैं। यहां एक जैसी भाषा, त्योहार, उत्सव, प्रथा और जीवन विधि का प्रयोग होता। उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो जीवन होते हैं इनमें अनेक अंतर आपको नहीं मिलेगा। अगली बात, गांव में जनमत का बहुत अधिक महत्व होता है, इसीलिए गांव में पुरानी व्यवस्था देख लो, कोई मुद्दा निपटाना होता था तो सरपंच आते थे, पूरी पंचायत बैठती थी, और अगर कह दिया गया, कहते नहीं, आज भी लोग कहते, अरे समाज में मेरी बात का क्या होगा भैया, हमने ऐसा कर दिया, मैंने कहा था तो बात की बात, लोग चैलेंज नहीं लेते, बात दिया है तुम्हें तो पूरा वादा जो है पूरा करेंगे। तो यहां अपने यहां जनमत का बहुत महत्व है। लोग कहते नहीं, अरे समाज में लोग क्या कहेंगे, कोई भी कार्य करना हो तो आपको दिमाग में तुरंत आता है, अरे बाहर लोग क्या कहेंगे। ये क्या है? ये समाज की बंदिशें हैं जो लोगों को बांधती भी हैं, गलत कार्य करने से भी रोकती हैं, ठीक है। और जो इन सब चीजों से ऊपर उठ गए उन्हीं में कोई डर नहीं रह जाता। अंकुश होना बहुत जरूरी है भैया, अगर आप में अंकुश नहीं है तो आप यह समझ जाओ कि गलत कामों की ओर बहुत तेजी से बढ़ोगे। बहुत मुक्त होकर जीना भी जीना नहीं होता है, इसीलिए कुछ अंकुश जरूरी होते हैं। सिर्फ अधिकार के बारे में चिल्लाना सही नहीं है, अधिकार अगर आपको मिले हैं तो दायित्व तो भी निभाना जानिए, और वो समाज आपको बहुत अच्छे से सिखाता है, समझे। देखो यहां ग्रामवासी जनमत का सम्मान करते और उससे डरते हैं, वह जनमत की शक्ति को चुनौती नहीं देते वरन उसके सम्मुख झुक जाते। अगर पंचायत ने बोल दिया कि आपको इतने रुपए हर्जाना देना है तो वो कहते थे मंजूर है, वो ये नहीं कहते थे सरपंच तुम्हारी बात नहीं मानते, वो उसका सम्मान करते थे। पंच लोग जो कुछ कह देते थे उसे सिरोधार्य मानते थे, ठीक है। जो पंच के मुंह से निकला वाक्य होता था इसको ईश्वर के मुंह से निकला वाक्य माना जाता है गांव में, समझे। और जनमत की अवहेलना जिसने कर दिया उसकी क्या होती थी? निंदा होती थी, कहते थे बताओ ये फैसला नहीं मानता पंचायत का, कैसा आदमी है, निठल्ला है। यहां देखो अगली चीज, आत्मनिर्भरता। अभी मोदी जी ने सरपंचों से कुछ दिन पहले बात की गांव के, ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या बोला, ठीक है, मन की बात के कार्यक्रम में, कि हमें पुनः आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, गांवों को प्रबल बनाना होगा। लोग आजकल क्या कर रहे हैं? अरे खेती से कुछ नहीं मिल रहा, चलो चलते हैं शहरों में मजदूरी कराते हैं। वही चीजें तो हुई, इधर मजदूरों की हालत देखिए कितना ज्यादा नुकसान सहना पड़ा लॉकडाउन में, चलते उद्योग धंधे बंद हो गए, लोगों की रोजी रोटी चली गई, लोग हजार हजार किलोमीटर से पैदल चले आए। तो पहले समाज में जो व्यवस्थाएं थी एक दूसरों की आवश्यक पूर्ति के लिए समाज का हर एक वर्ग बटा था, आज वो चीजें टूट चुकी है। आज गांव में भी बगल का बंदा क्या बोलता है, अरे हम उनसे कहने जाएंगे हटाओ। तो ये चीजें सब खत्म हो रही, इसीलिए समाज का होना बहुत जरूरी है भैया। समाज होगा तभी क्या होंगी, हर एक चीजें बहुत व्यवस्थित ढंग से होंगी। आगे बढ़ते हैं इसमें, ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता की जब बात आएगी तो आत्मनिर्भरता पाई जाती है, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो, आत्मनिर्भरता है अपने यहां। और इन्हीं आदर्शों को नीति निदेशक तत्वों में भी लिखा गया, इन्हीं आदर्शों को किसमें, हमारी प्रस्तावना में भी लिखा गया, क्योंकि हम वहां पर चीजों किसमें, भारत गांवों का देश है भैया, गांव में सबसे अधिक रोल हमारे समाज का है। गांव में जो है जजमानी प्रथा द्वारा जातियों पर परस्पर एक दूसरे के आर्थिक हितों की पूर्ति होती, कहते नहीं जजमान 1051 चढ़ावा चढ़ा दो, तो वहां जजमान क्या है, हर एक जगह पर ऐसा नहीं है कि पंडित जी जो पूजा करवाए तो आप जो है क्या है जजमान है, यहां ये नहीं है। जजमान का अर्थ आप गांव में रहते होंगे तो समझ जाएंगे, जो जजमानी प्रथा है ये प्रथा ग्रामीण और जातिगत ढांचे दो जगह पर आपको मिलती है। जजमानी प्रथा जातिगत ढांचों की एक प्रमुख विशेषता है भैया, इसका स्वरूप परंपरागत है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है, नाई है तो नाई का एक जो है क्या है निश्चित व्यवसाय हो गया,
धोबी हो गया, ठीक है, यादव हो गए, तो इनका सभी का एक निश्चित व्यवसाय, इसी को जजमानी व्यवस्था बोलते थे गांव में, ठीक है। इस प्रकार जाति प्रथा ग्रामीण समाज में श्रम विभाजन का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। ये सब क्यों हुआ था, ये ऐसा नहीं था, बहुत सारे लोगों को मैंने उदाहरण देते हुए देखा है, तर्क देते हुए देखा है कि सभी का शोषण हुआ, दलितों का ये हुआ। भैया पहले समाज ऐसा बटा था ना कि हर एक के कार्य बटे हुए थे, आपको ये कार्य करना, आपको ये कार्य करना, हर एक जो है पूरे जातियों का एक दूसरे से कनेक्शन था, ठीक है, जो बहुत जगहों पर देखने को मिलता है कि अच्छा जो है विरोध का सुर क्या होता है सबसे पहले कि अच्छा ब्राह्मणों ने दलितों का क्या किया, शोषण किया, ये किया, वो किया। कुछ चीजें गलत है, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि कई जगहों पर ऐसी चीजें रही, लेकिन पहले जातियों की जो व्यवस्था थी ये व्यवस्था इसलिए नहीं थी कि आप किसी को दबाना है, किसी को नीचे रखना है, वहां मतलब यह था कि आपके अधिकार और दायित्व दोनों आपको निर्धारित किए जाते हैं, यह समाज था भारतीय समाज, ठीक है। सभी जातियां परस्पर एक दूसरे की सेवा करती हैं, सभी जातियां परस्पर एक दूसरे की सेवा करती हैं, ठीक है। ये चीजें क्या है, ये इसका उदाहरण है अपने यहां जो जजमानी व्यवस्था चलती है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो प्रमुख विशेषताओं में मैंने सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। अपने यहां आप जानते हो ग्रामीण समाज, शहरी समाज, पशुचारण समाज, कृषक समाज, आधुनिक समाज, उत्तर आधुनिक समाज, ठीक है, ये सभी अलग अलग रूप अपने यहां देखने को मिलेंगे। विश्व में देखोगे तो अमेरिकी समाज, ब्रिटिश समाज, यूरोपीय समाज, हिंदू समाज, ठीक है, पारसी समाज आदि, ये सब अलग अलग चीजें हैं। हर समाज की अपनी अलग अलग विशेषता है, उस विशेषता में आप जानते हो पहली चीज होती है प्राचीनता एवं अस्थायित्व, कोई समाज कितना प्राचीन रहा है ये भी समाज की एक विशेषता होती है। भारतीय समाज प्राचीनतम समाजों में से एक है, विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृति जैसे मिस्र हो गई, सीरिया हो गई, बेबीलोन हो गया, रोम हो गया, आज विनष्ट हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति व समाज व्यवस्था आज भी कायम है, तो हम सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक हैं। दूसरी बात, यहां पर हमारे यहां वैदिक धर्मों को मानने की परंपरा है, गीता, महावीर, गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी देश में जीवंत है, भारतीय जनजीवन का मौलिक अधिकार आज भी वही है जो प्राचीन भारत में विद्यमान था, ठीक है। सहिष्णुता, टॉलरेंस, ठीक है, भारतीय समाज की क्या है, एक अद्भुत विशेषता है, यहां सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के प्रति सहिष्णु जो है टॉलरेंस एवं प्रेम का भाव पाया जाता है, और भारत में समय समय पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ है, ठीक है, मुगल आए, बहुत सारे आक्रमण हुए, फ्रांसीसी आए, यूरोपी आए, कौन कौन नहीं आया, हर एक संस्कृति अपने यहां आई और सभी फली फूली यहां पर, ठीक है, सभी को विकसित होने का मौका मिला है, शासन किया, किसी भी संस्कृत का दमन नहीं किया गया और ना ही किसी समूह पर कोई संस्कृत थोपी गई। यहां आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन सभी अपनी अपनी विशेषताएं बरकरार किए हुए रहते हैं, समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है भारतीय समाज में, भारतीय समाज के सही स्वभाव के कारण इसमें भिन्न भिन्न संस्कृतियों का समन्वय है, ठीक है। भारत जैसे इतने बड़े भूभाग में इतनी जनजातियां, इतने अलग अलग आपको जातियां, इतने अलग अलग समाज मिलेंगे, फिर भी हम साथ हैं, नहीं तो पहले तो आप देख लो अमेरिका वगैरह सारी चीजें अलग अलग डिवाइड थी, क्यों, क्योंकि यहां पर ये चीजें बहुत थी अपने यहां, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगी। जब संस्कृतियां देखोगे अलग अलग तो जनजातीय हिंदू, मुस्लिम, सिख, हूण, सिथियन, ईसाई आदि सभी भारतीय संस्कृतियां नष्ट नहीं हुई, इन संस्कृतियों ने भारतीय समाज में समन्वय एवं एकता ही स्थापित किया। अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्मात्म भारत भारतीय समाज की जो है एक अनूठी विशेषता है अपने यहां अध्यात्म, ठीक है। यहां भौतिक सुख और भोग विलास को कभी भी जीवन का उद्देश्य नहीं माना जाता, आत्मा और ईश्वर के महत्व को स्वीकार किया गया और भौतिक सुख के स्थान पर मानसिक एवं आध्यात्मिक सुख को सर्वोच्च स्थान दिया गया। तो यह भारतीय समाज की अपनी विशेषताओं में से एक है। वही चीज अपने यहां धर्म की आपको क्या मिलेगी, धर्म की प्रधानता मिलती है भारतीय समाज में, ठीक है। यहां धर्म क्या है, प्रमुख है, क्योंकि जीवन काल में अगर धार्मिक कार्य व अनुष्ठानों का आयोजन हमें हमेशा करना होता रहता है, ठीक है, और यह हम अपनी क्या खुशी के लिए करते हैं, क्योंकि धर्म हमारा क्या है, एक बहुत ही व्यापक जोड़ा हुआ है धर्म से हमारे, ठीक है, यह हमारे समाज की विशेषता है। यहां धर्म संकुचित धर्म नहीं बल्कि मानवतावादी धर्म है, जो सभी जीवों के प्रति दया,
कल्याण की भाव रखता। इस प्रकार भारतीय समाज व संस्कृत विभिन्न अंगों पर धर्म की स्पष्ट छाप दिखाई देती। अनुकूलनशीलता अपने यहां होती है। भारतीय समाज के अनुकूलनशील प्रकृत होने के कारण ही आज भी यह कायम है। भारतीय समाज में समय के साथ साथ परिवर्तित क्लेविष्ट क्षमता है। यहां समाज जो है किसके अनुसार बदलता है, स्थिति को देखकर बदलता है। ठीक है, बाकी चीजों को मैंने इसमें बहुत अच्छे से लिख दिया है। अपने यहां वर्ण जो व्यवस्था थी, वर्णाश्रम व्यवस्था थी, ठीक है, वर्ण एवं आश्रमों की व्यवस्था भी भारतीय समाज की एक विशेषता है। यहां समाज में श्रम विभाजन के लिए चार वर्ण बने। मैंने बताया ना, जो जैसा कार्य करे वैसे हुई उसको क्या किया गया, समाज में डिवाइड किया गया। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की रचना की गई। क्यों? क्योंकि यहां श्रम विभाजन का नियम है भैया। एक कंपनी में तो हर कोई तो डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता, तो काम कौन करेगा? कंपनी में हम कार्य करते हैं, वही श्रम विभाजन हम पर लागू होता है तो हम मानते हैं, लेकिन और चीजें जब हम देखते हैं तो वहां दिमाग कुछ और बन जाता है। देखो, यहां जो रहा इनमें ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया था, जो ये चीजें बनी समाज में श्रम विभाजन वाला। उसके बाद उन्हें बुद्धि और शिक्षा के प्रतीक के रूप में माना गया। उनके बाद क्षत्रिय शक्ति का प्रतीक माना गया। तीसरे पदानुक्रम पर वैश्यों को रखा गया, जो भरण पोषण एवं अर्थव्यवस्था का संचालन करते। शूद्र जिन्हें चौथे एवं अंतिम पायदान पर रखा गया, ठीक है, अन्य सभी वर्णों की सेवा करते। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने मनुष्य के लिए चार आश्रम बनाए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था की, जहां वर्ण मनुष्यों के बीच कार्य विभाजन को इंगित करते, वहीं आश्रम उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास को क्या करते हैं, बढ़ावा देते, प्रकट करते। अपने यहां जाति व्यवस्था क्या है, भारतीय समाज का उदाहरण है। ठीक है, मैंने इसको बताया ही, जन्म से ही जाति की सदस्यता हमें प्राप्त हो जाती है। हम जहां पैदा हुए वहां हमें उसी जाति का जन्म से प्रमाण पत्र मिल गया। प्रत्येक जाति का समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान है भैया। सभी का खान पान सामाजिक विविध का नियम है। परंपरागत व्यवसाय भी पाया जाता है। प्राचीन काल में चार वर्ण जो होते थे, ठीक है, ये कालांतर में जाति के रूप में विकसित हो गए। जो पहले चार वर्ण थे जो श्रम विभाजन के नियम पर थे, आज वो जाति के रूप में हो गए। जाति व्यवस्था भारतीय समाज को अनेक ढंग से जो है प्रभावित करती है। अपने यहां कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत भी है भारतीय समाज में, कि भैया अगर गलत काम करोगे तो क्या जो है जन्म कहीं बहुत बुरे योनि में होगा। ठीक है, ये सब कुछ क्या बोला जाता, कि पिछले जन्म में जैसा कर्म करोगे वैसा ही इस जन्म में फल मिलेगा, ये सब अपने यहां चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सर्वांगीण पर भारतीय समाज कार्य करता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में सारी चीजें बता दी। सर्वांगीण का मतलब समझते हो, सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संतु निरामया, हम इस पद्धति पर कार्य करने वाले। ज्वाइंट जो है फैमिली के बारे में मैंने बताया। ठीक है, प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में संयुक्त प्रथा का जो है परिवार की प्रथा का प्रचलन रहा है। दो या तीन या अधिक पीढ़ियां सदस्य एक साथ निवास करते हैं। ठीक है, और सब परिवार के मुखिया के अंतर्गत होते हैं। और अगली चीज, इस प्रथा को जन्म देने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। तभी तो सारे लोग एक जगह आने लगे। जब मनुष्य पैदा हुआ, मांस खाने से अन्न पैदावार की ओर बढ़ी, तो कृषि में ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ने लगी, तो वहां पर संयुक्त परिवार आने लगा। समझे, ये भी चीजें इसके पीछे है, लॉजिक है, समझ जाओ। पुरुषार्थ की अवधारणा अपने यहां चलती है। ठीक है, पुरुषार्थ हमारा मेन धर्म है। चार इसमें पुरुषार्थ है अपने, कौन कौन से, पहला तो धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। समझे, ये चार पुरुषार्थ की भावना भारत जो है भारतीय समाज में चलती है। तो इन सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया। संस्कार के बारे में, समाज में संस्कार क्या है, संस्कार का तात्पर्य होता है शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपने यहां चलती है। ठीक है, भारतीय समाज में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक शुद्धि आवश्यक माना गया। इसके लिए बहुत सारे संस्कार हैं, जात कर्म, नामकरण, विद्यारंभ, निष्क्रमण, ठीक है, सीमांतोनयन, उपनयन, अन्य प्राशन, गर्भाधान, पुंसवन, चूड़ाकरण, 16 जो है संस्कार के बारे में अपने यहां बाकायदा लिखा हुआ है। प्राणी विविधता भी अपने भारतीय समाज में पाई जाती है। बहुत सारी जो है अलग अलग प्राणी आपको यहां पर विधवत देखने को मिलेंगे। उसके बाद आगे इसमें बढ़ते हैं। ठीक है, जैसी जैसी चीजें रही उसमें सब कुछ लिख दिया। जो भाषाई विविधता है, ये भी चीजें अपने यहां क्या है, अगर देखा जाए यहां व्यवहार में लाई जाने वाली जो भाषाएं हैं, ठीक है, ये साइबर कमीशन जो, ठीक है, मैंने बताया भी है,
इसके अनुसार 222 लगभग जो है भाषाएं अपने यहां व्यवहार में प्रयुक्त होती है। संविधान की 8वीं अनुसूची आप देखोगे 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान करता है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है, ठीक है, क्योंकि समाज इसी के अनुसार बंधा हुआ है। विश्व में भाषा परिवारों में देखें तो हिंद यूरोपीय जो भाषा परिवार है एक उपविभाजन हिंद आर्य के तौर पर कहलाता है, और उसमें भारत के उत्तरी हिस्से में बोली जाने वाली हिंदी पंजाबी मराठी आदि भाषाएं रखी गई हैं। भारत की 2/3 से अधिक आबादी हिंद आर्य भाषा परिवार की क्या है, कोई ना कोई भाषा विभिन्न स्तरों पर प्रयोग करती है, जिसमें संस्कृत समेत मुख्यतः उत्तर भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं उर्दू जैसे हिंदी उर्दू नेपाली बांग्ला गुजराती कश्मीरी ठीक है डोंगरी पंजाबी ये सब आती है। उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार भारत का सबसे बड़ा परिवार, दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार। इस परिवार में सबसे बड़ा सदस्य तमिलनाडु में बोली जाने वाली तमिल भाषा है। समझे पूरा डिवाइडेशन है, सब कुछ मैंने लिख दिया है कि समाज में अगर आप पढ़ना चाहोगे सब कुछ भाषाई विविधता, तो इन सारी चीजों को मैंने बता दिया है। जितनी चीजें आपको इंपॉर्टेंट रही उनके बारे में भी मैंने पूरी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया। धार्मिक विविधता आप जानते हो, यहां मैंने 2011 की जनगणना को भी दे दिया है आपको अच्छे से कि अगर आपको धार्मिक विविधता पढ़ना है भारत में, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखें तो देश की कुल जनसंख्या में हिंदू 79.8%, मुसलमान 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध जो है 0.7% और जैन 0.37% और अन्य धर्मों को मानने वालों का प्रतिशत 0.6% है। ये 11 के अनुसार है, और उसमें भी अभी बहुत सारे जो है अलग अलग धर्म बहुत सारे मतों में डिवाइड है, उप संप्रदाय है संप्रदाय है, इन्हीं सभी को आपको समझना होता है, तो वो चीजें मैंने आपको बता दी है सारी चीजें। तो ये सब कुछ आपका जो है डिस्कशन भारतीय समाज पर रहा। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट होगा, बाकी चीजें मैंने नोट्स में दे रखी है ठीक है, लेकिन जितनी महत्वपूर्ण चीजें रही समाज को मुझे समझाना था आपको, भारतीय समाज को ग्रामीण समाज को समझाना था, ये मैंने समाज समझा दिया। अब मैं आगे से जो लेक्चर प्रारंभ करूंगा वो मुख्यतः अब हमें, चूंकि आपके आधार तैयार हो गए, आपके पांव मजबूत हो गए, आप खड़े होने में सक्षम हो गए, अब ऊपर से मैं सारी जानकारियां आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक का संबंध दूसरे लेक्चर से, दूसरे का तीसरे, तीसरे का चौथे, ऐसे पूरी चीजों को ऐसे ही उड़ेल दूंगा कि आपके मन मस्तिष्क में सब कुछ संपूर्ण ढंग से आ जाएगा। तो पूरी क्लासेस यहां पर सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध होनी है भैया, नोट्स सारे लोग ले ले, उसके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान मैंने बता दिया है, वहां से सारी चीजों को आपको करना है। तो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करके सारे लोग इससे जुड़िए और अपनी तैयारी में सही दिशा में सही रणनीति के साथ सही टीम के साथ कार्य करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, मस्त होकर पढ़िए ठीक है, टीम आपके लिए बेहतर से बेहतर करती रहेगी।